सारी संगत प्यार दे नाल करो रसना नु पवित्र रखो। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। देशां विदेशां विच पिंडां शहरां दे विच गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी दा संगत रूपी परिवार एकत्रित होया। गल दी मैं शुरुआत करां, एक ही घर दे विच ना दो भरा, जेड़ा वड्डा भरा है ओ थल्ले वाली मंजिल ते रहिंदा है, छोटा भरा उपर वाली मंजिल ते रहिंदा है। ये छोटे वीर ने जिक्र सुनाया, कहिंदा मैं पहली मंजिल ते ते जेड़ा मेरा वड्डा भाई ओ थल्लवें वाली मंजिल ते रहिंदा है। कहिंदा पता नहीं साढ़े दोवें भरावां दे विच कदों दूरियां वधनियां शुरू हो गई, पता भी नहीं चलिया इस गल का। कदी एक दूजे दे नाल छोटी छोटी गल तो ज्यादा लड़न लग पैना, कदी एक दूजे नूं बुलाउणा ही ना, कदी निकी जी गल का वड्डा झगड़ा बना लेना। कहिंदे इदां दिनों दिन दूरियां साढ़े दोवें भरावां दे विच वधनियां शुरू होईयां। कहिंदा जिहड़ा मेरा वड्डा भरा ओह दफ्तर दे लई जल्दी घरों निकलदा सी ते जल्दी आ जांदा सी, ते मैं घरों देर नाल निकलदा सां ते देर नाल ही वापस आउंदा सां। इस करके मेरी गड्डी हमेशा ओहदी गड्डी दे ना पिछे खड़ी हुंदी सी। ते कहिंदा हर रोज़ सवेरे उच्ची सारी मेरे वड्डे भरा ने आवाज देनी कि तू अपनी गड्डी पिछे हटा, मैं अपनी गड्डी कढ़नी है। कहिंदा रोज इस गल दे उत्ते भी मैं अपने भरा दे नाल लड़ना कि तू रोज मेरी नींद खराब कर देना। गल सुनन वाली जे कहिंदे मेरे बच्चे उन्होंने जदों खेडना उपर वाली मंजिल ते, रात दे समय जदों उन्होंने शोर करना जदों खेडना, तो मेरे भरा की आवाज आनी कि बच्चियां नूं फर्श दे उत्ते जंप मारन तो मना कर, मेरी नींद खराब हो रही है। किंतु कहना उन्होंने प्यार नाल, पर अपने भरा की प्यार नाल कीती हुई गल भी ना मैनू चुभनी कि इन्हें इन्नी गल भी मैनू क्यों कही है। ये गड्डी कढ़न लई मैनू कहिंदा है जदों मेरी नींद खराब करता है, मेरे बच्चियां नूं जदों खेडण तों रोकता है उदों भी ये मेरे घर दे विच दखल अंदाजी करता है। कहना वड्डे भाई ने बड़े प्रेम नाल कहिंदा, पर हर कल उहदी मैनू चुभणी शुरू हो गई। उहदी घरवाली ने कोई गल करनी मेरी घरवाली नाल, उहने भी अगां छोटी जी गल दा बात दा पतंगड़ बना देना। कहिंदे दिनों दिन दूरियां वधणियां शुरू होईयां। कहिंदे इदां ही दिन लंघ रहे, एक दिन मैं बालकोनी दे विच बैठा ते कुछ नौजवान आए किसी प्रोग्राम दे लई चंदा इकट्ठा करन वास्ते। ते कहिंदे मेरे वड्डे भरा ने उन्हां नूं चंदा दित्ता, दान दित्ता। ते कहिंदे जदों ओह सीढ़ियां चढ़ के उपरली मंजिल वल भाव मेरे घर वल आउण लगे ते मेरे वीर दे मूँह एक गल निकली, उत्ते ना जा, तुसी उत्ते ना जाओ, जेड़ा उपर ते थले ए कोई घर वखरे वखरे नहीं, उपर नीचे एक ही घर है। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। कहिंदे ओह जेड़े नौजवान आए सी घरों चंदा लैण वास्ते त्योहार दे लई प्रोग्राम दे लई, जदों मेरे वड्डे वीर ने इन्नी गल कही ना उपर थले इको ही घर है, कहिंदे ओह नौजवान ते चले गए, पर मैं अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करन लग पिया कि मैं अपने भरा दे नाल बिना वजह तो ईरखा कमा रहा सां। उन्हां दे अंदर ते इन्ना वड्डा पन है, वह ते उपर ते थले वाला घर भी कोई गिण रहे ने। ते कहिंदा फिर मैनूं अपने भरा दियां वड्डे वीर दियां अछियाईयां नजर आउणियां शुरू हो गईयां कि ओह ते मैनूं बड़े प्यार नाल कहिंदे सी गड्डी ढाउण वास्ते, गड्डी पछां करन वास्ते, मैनूं ही गल दा गुस्सा लगदा सी।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ 100, 200, 500 ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਅਛਿਆਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਉਹ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦੇਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅਛਿਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਥੱਲੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸਮ 2 ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹ 7 ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਤੇ ਜੁੜੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਟੱਟ ਕੇ। ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਐਡਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ
दीवारां डिगणियां शुरू हो जाणगियां, फिर असी भी नेक इंसान बन जावांगे। आप सवरो, परिवार सवारो, सारे आखो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जड़े जड़े प्रेमियां ने अजे तक यूट्यूब दा, फेसबुक दा लिंक शेयर नहीं कीता, हर सोशल मीडिया साइट दे उत्ते ए लिंक शेयर करो, ते होरना संगतां नूं भी कहो ए लिंक शेयर करन, तां जो होर टुटियां संगतां गुरु चरणा नाल जुड़ सकन। साडा यूट्यूब चैनल है भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल, इनू सबसक्राइब जरूर करो, और इंस्टाग्राम ते ट्विटर ते फेसबुक ते असी अकाउंट बनाए ने साडा नाम भर के, तुसी हर जगह ते सानू फॉलो कर सकते हो। गुरु कृपा करे, बख्शिश करे समय शब्द पढ़न दा। गुरु अर्जन दे पातशाह जी दा उच्चारण कीता शब्द, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1299 अंग दे उत्ते दर्ज, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। आप ए शब्द दा गायन करिए, और बड़े प्यार विच जिन्हां ने गुरबाणी नूं डाउनलोड कीता ना मोबाइलां च, बड़े प्यार च ए शब्द कढ लो, सिर ढक के बैठो, और बड़े प्यार विच गुरु जी नूं नेड़े महसूस करदे होए इस शब्द का गायन करिए। कोई रसना खाली ना रहे जी। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई। पढ़ो, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोगे पाई, जब ते साध संगत मोगे पाई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई। सारी संगत लाओ हाजरी, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई। I'm gonna
बेगाना ना को मेरी ना ही बेगाना सकल संग हमको बन आई ना को मेरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बन आई हमको बन आई हमको बन आई बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई जब ते साथ संगत मोहे पाई आखो धन बाबा जो प्रभ कीनो सो पल मने हो जो प्रभ कीनो सो पल मने हो एह सुमत साधु ते पाई जो प्रभ कीनो सो पल मने ओ एह सुमत साधु ते पाई साधु ते पाई साधु ते पाई बिसर गई जी बिसर गई बोलो बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई जब ते साथ संगत मोहे पाई सारे बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई जब ते साथ संगत मोहे पाई के
सब में रव रहया प्रभु एक है पेख पेख नानक बिकसाई सब में रव रहया प्रभु एक है पेख पेख नानक बिकसाई नानक बिकसाई नानक बिकसाई बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोह पाई जब ते साध संगत मोह पाई पढ़ो जी बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोह पाई जब ते साध संगत मोह पाई बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब तात बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोह पाई जब ते साध संगत मोह पाई बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोह पाई बिसर गई अवले अल्ले नूरी उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे ये अवस्था बनी कदों बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोखे पाई काहे रे मन चित में उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंती उपाय ता कर जिके आगे कर तरिया मेरे मातो जी मेरे मातो जी सत संगत मिले सो तरिया तरिया सत संगत मिले सो तरिया तरिया परम राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा कैद कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा तरिया संगत मिले सो तरिया तरिया चंदन का बिरवा पला बेड़े ओ टाक पलास कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़े ओ टाक पलास ओए पी चंदन खोए रखे बसे जो चंदन पास तरिया मेरे मातो जी सत संगत मिले सो तरिया तरिया गंग
गंगा के संग सलता बिकरी सो सलता गंगा खोए निपरी तरिया चंदन के संग तरवर बिकरे हो सो तरवर चंदन खोए निपरे हो तरिया पारस के संग तांबा बिकरे हो सो तांबा कंचन खोए निपरे हो तरिया संतन संग कबीरा सो कबीर रामे खोए निपरे हो तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया तरिया बोलो मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया 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 वड पागी हर संगत पावे पाखीन प्रम चोता खावे बिन पागा सत संग ना लबे बिन संगत मैल परीचे जियो तरिया मेरे माथो जी सत संगत मिले सो तरिया तरिया वड पागी साध संग परापत तिन पेटत दोर मत खोई तरिया तिन की तूर नानक दास बांछे जिन हर नाम हृदय परोई तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया जी तरिया लाओ प्रमाण मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया 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 सत संगत कैसी जानी है जिथे को नाम खानी है एको नाम हुक्म कै नानक सतगुर दिया बुझाए जियो मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया बिगड़ो कबीरा राम दोहाई साच पए अनकते न जाई तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया तरिया वड भागी मिल संगति मेरे को मिलता जन नानक काज जियो जन नानक नाम जन नानक नाम सिद्ध काज जियो मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया तरिया वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे
बिन पागा सतसंग ना लबे बिन संगत मैल परी जै जियो तरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया काहू दशा के पवन गवन के बरखा है काहू दशा को पवन बादल लात है काहू ग्रह की अगन पाक साल सिद्ध करे काहू ग्रह की अगन पवन जरात है काहू जल पान किए रहत अरोग देगी काहू जल पान व्यापे रोग बिल लात है ताहू की संगत मिल जीवन मुक्त खोए तरिया ताहू की संगत मिल जीवन मुक्त खोए ताहू की संगत मिल जमपुर जात है मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया लख चौरासी जोन विच मानस जन्म दुलभ उपाय चार मरण चार मजहबा हिंदू मुसलमान सदाया नार सोमार अगणित गणाया त्रैगुण माया चलत है ब्रह्मा विष्णु महेश रचाया वेद कते बावाच दे एक साहेब दोए राह चलाया सेव शक्ति विच खेल कर जोग भोग बहु चलित बनाया साध असाध संगत फल पाया साध असाध संगत फल पाया मेरे माथो जी सत संगत मिले सो तरिया तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके कासट हरिया बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई जब ते साध संगत मोहे पाई बड़ो बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई 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 संगत मोहे पाई संगत मोहे पाई बिसर गई जी बिसर गई
बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई। बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारी संगत आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी। अज दे शब्द दे विच वेखो किड्डी प्यारी सुमत सतगुरु सानू बख्श रहे ने। असी कई वारी बिना वजह तो ही संगत तो दूर चले जाने। जरा जिन्ना घर दे विच कोई मेहमान आ जाण, असी कहने चलो अज संगत विच जाण दी की लोड़ है। आ जिहड़ा असी रोजाना पिता जी की बख्शिश का सदका है दुपहरी जुड़दे हाँ, कई वारी इहो जिहा मौका बनता है कोई घर दे विच मित्र दोस्त आ गया, बंदा कहिंदा चल टीवी बंद कर, असी इस वेले गप्पां मारदे हां, संगत विच अज नहीं भी बैठांगे, कीर्तन नहीं भी सुणांगे, क्या फर्क पै जाणा। पर अज दे शब्द दे विच पंचम पातशाह सानू संगत दी अहमियत दस रहे ने। अहमियत कहिंदे भोलिया मैनू सारियां दातां मिलियां ही संगत करन दे नाल ने। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। ओ ते आप रब ने, आप परमेश्वर ने सानू सोझी दे रहे। कहिंदे मैनू ते सारियां दातां मिलियां ही संगत करके ने, संगत करके। और सब तो वड्डी दात मैनू संगत दे विच्चों ए प्राप्त होई कि जेड़ा मेरे अंदर ए सुभा सी ना दूजियां नू सुखी वेख के दुखी होण वाला, ए परमेश्वर जी सानू सिखा रहे ने। कहिंदे जेड़ा सुभा सी ना दूजियां दे सुख नू अपना दुख बनाउण वाला, दूजियां दे सुख वल वेख के सड़न वाला, कहिंदे ए जेड़ा पराई तात वाला सुभा सी ना ए भी मेरे अंदरों दूर हो गया जदों दी मैं गुरु दी ते गुरु दे प्यारियां दी संगत करनी शुरू कर दित्ती। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। वेखो प्यारे, जिहड़ी मैं अज शुरुआत दे विच वी तुहानू गल सुनाई है, ये संगत दा असर ही है ना कि ओहो ही भरा है जेड़ा अपने वड्डे भरा दे हर बोल दे विच नुक्स कढ़दा है। ओहो ही भरा है
अपने वड्डे भरा दे हर बोले हुए बोल नू कल्पना बनाउंदा है। ओहो ही छोटा भरा है जेड़ा अपने वड्डे भरा दी दित्ती हुई चंगी मत नू भी माड़ा समझदा है। पर एक समा एहो जिहा आया कि अंदरों नफरत दियां तेर मेर दियां वैर विरोध दियां दीवारां गिर गईयां गिरियां। ए सदका संगत दे अखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। मेरी निम्रता सहित बेनती है गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा वचन मैं अपने कोलों बना के कोई गल नहीं सुना रहा। महाराज सानू सुमत दे रहे ने सानू सोझी दे रहे ने सोझी। फिर मैं कह रहा वो रब ने प्रतख हर ने ए शंके वाली गल है ही कोई नहीं पर सानू ज्ञान देने लई किड्डी निम्रता विखा रहे। महाराज के अंदर तो वैर है ही नहीं ओ दाता की वैर करेगा। प्यारे ओ पृथ्वी चंद ने इना वैर कमाया गुरु अर्जन देव पातशाह जी नाल महाराज ने उहदे वैर का जवाब वैर नाल दिता ही कोई नहीं। इतिहास गवाह है तुसीं सारे जानते हो की कुछ नहीं किया पृथ्वी चंद ने। पर प्यारे ओही पृथ्वी चंद जदों बीमार हुंदा है ते गुरु अर्जन देव पातशाह अरदास करदे ने हर जियो तू सुख संपत रास राख लहो भाई मेरे को प्रभ अगे अरदास। ओ ते रब ने परमेश्वर ने निरंकार ने पर सानू अज सुमत दे रहे कहिंदे मेरे अंदरों नफरत दियां दीवारां गिरियां उदों ने ए मेर तेर दी भावना मुक्की उदों खै दूजियां दे सुख नू दुख बनाउण वाली ए बिरती उदों मेरी मुक्की जदों मैं आ गुरु दी संगत गुरु रामदास दी रंगे होयां दी संगत करनी शुरू करती। ताई करके मैं बेनती करदा प्यारे हो जो मर्जी होवे इस संगत विच बैण दी रूटीन कदी भी अपने हथों जान ना देना। ये पिता जी दा वचन बिसर गई सब तात पराई जब ते सौद संगत मोहे पाई। सच्चाई है दूजियां दे मूंह दे विच्चों रोटी दियां बुरकियां खिचण वाला दूजे दे मूंह विच रोटी दियां बुरकियां पाउण वाला बन जांदा सदके संगत दे। ओही बंदा जेड़ा दूजियां वल वेख के सड़दा है दूजियां दे गुणां वल वेख के कि आ गुण मेरे च मौजूद नहीं दूजे विच मौजूद है दूजे दे गुण वल वेख के जेड़ा सड़दा है ना हुण सड़ना मुक गया हुण ते अरदास करदा दत्या जे ओहदे अंदर ए गुण दित्ते ते मैं भी तेरा बच्चा वे मैनू भी गुणा नाल नवाज दे ओनू भी भाग ला ते ओहदे पैरां पिछे मैनू भी दे। हुण ते इह अवस्था बन गई पर इह बणी उदों जदों बंदे ने संगत करनी शुरू कर दित्ती। कां बिरती तों बन गई हंस बिरती हुण गल गल दे उत्ते ठूंगे नहीं मारदा गल गल दे उत्ते दुखी नहीं करता हुण ते हंस बिरती बन गई हर गल दे विच्चों परमेश्वर दी आवाज सुणदा है हर गल दे विच्चों भला ही भला वेखदा है हरेक दे अंदर बस हुण परमेश्वर दी जोत ही तकदा है हरेक दे अंदर बस वेखदा है। इहदे अंदर भी गुरु रामदास बैठे इहदे अंदर भी बाबा दीप सिंह बैठे होए ने। मैं नफरत करां की दे नाल मैं विरोध करां की दा मैं लड़ाई करां की दे नाल जिहड़ा सामने ओहदे अंदर भी मेरा मालक बैठा मेरे अंदर भी वह बैठा है। मैं झगड़ा करना ही नहीं मैं लड़ाई पाउनी नहीं मैं ते कलेश पाउना ही नहीं मैं ईरखा करनी नहीं। पर ए बिरती बनी उदों प्यारे ओ जदों दी संगत मिली संगत संगत विच बड़ी ताकत है बड़ी ताकत। ए संगत जरूर करिया करो जरूर। मैं वार वार अज गल दोहरा रहा तां जो साडे अंदर ए गल पक्की घर कर जावे। मैं अगे भी बेनती तुहानू कीती सी दुकाना हुण खुल चुकियां ऑफिसां च तुसीं जा रहे हो दुकाना च जा रहे हो उत्थे भी टीवी लवा लो कोई दूजे प्रोग्राम वेखण वास्ते नहीं आ जिहड़ा तीन तों चार दा साडा संगत करन दा समां ना मिस हो जाए। इस करके बह जिया करो चौंकड़े मार के जाओ गुरु जी की कृपा नाल कहिना तुसीं बन के ए एक घंटे दा समां गुरु रामदास नूं दे दिया करो तुहाडे औखे तों औखे समें कट्टण दी जिम्मेवारी गुरु रामदास अपनी झोली च पवा लैणगे कि मेरा बच्चा नेम दा पक्का इन्हें नेम नहीं तोड़िया संगत करन दा। ते वेख्यो फिर किन्नियां बरकतां पैंदियां। सतगुरु कहिंदे एक कम तू करना है एक कम दा उद्दम तू करना है संगत करन दा एक कम करन दा उद्दम संगत करन वाला तू करना है। गुरु रामदास कहिंदे बाकी दियां ड्यूटियां मेरियां ने किवें मैं तेरियां झोलियां भरनियां ने। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। एक उद्दम करना है उद्दम ते करना ही पएगा ना सानू
उदम करना पड़ेगा। उदम करके संगत विच बैठना साडा काम, बाकी दियां अवस्थावां बाकी दियां बख्शिशां करनियां गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दा काम। मेरे सतगुरु कहिंदे बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। अगे की कह रहे पढ़े जी। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। कहिंदे सदके संगत दे हुण ते मेरी एहो जी निगाह बन गई, मैनू ते कोई बेगाना कोई वैरी कोई ओपरा नजर ही नहीं आउंदा। मैनू ते सारे हुण अपने ही नजर आउंदे ने, मेरा ते हरेक दे नाल प्यार ही बन गया। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। मेरे अंदर हुण वैर विरोधी भावना, मैनू हुण कोई वैरी बेगाना ओपरा नजर ही नहीं आउंदा। मैनू ते सारे अपने लगदे ने, अपने अपने। वेखो जदों बंदा संगत करता है ना, ये अवस्था उदों बनती है। संगत कर करके सतगुरु एहो जी बख्शिश कर देंदे बंदे दे अंदर ना निर्मल भाव वसा देंदे ने, निर्मल भाव। एक हुंदा है डर। असी कई वारी अपने बॉस का सत्कार करते हैं, एक डर है जे मैं दा सत्कार ना कीता हो सकता ये मैनू नौकरियों कढ दे। एक डर है अंदर, डर अपने तो वड्डे दा सत्कार मैं तां करके करना किते ए मैनू चार बंदियां च कुछ कह ना देवे। डर दे नाल कीता होया सत्कार अज है, कल हो सकदा ना होवे। पर एक है प्यार दे विच्चों सत्कार निकलदा, प्यार दे विच्चों, एक प्यार दे विच्चों आदर निकलदा। ते ओ प्यार दे विच्चों आदर उदों ही निकलदा जदों बंदे दे अंदर निर्मल भाव आ जांदा है। निर्मल भाव कि हुण कोई भी बेगाना है ही नहीं। निर्मल भाव की है कि मेरा मालक मेरे अंदर भी बैठा है, सामने वाले दे अंदर भी बैठा है। निर्मल भाव की है कि मेरा साहब सारियां नूं वेख रहा है, मेरा मालक मेरे हर काम दे उत्ते निगाह रख के बैठा होया। निर्मल भाव ते संगत करके जिहदे अंदर निर्मल भाव आ गया ना, फिर ओहदी ये अवस्था बन गई। ओनू फिर ना कोई बैरी नजर आउंदा, ना कोई बेगाना नजर आउंदा, हरेक दे नाल मुहब्बत करदा है। क्यों मुहब्बत करदा है? कि जेड़ा सारी सृष्टि विच वस रहा है वह मेरे अंदर भी है, दूजे दे अंदर भी है। बस आ कुंडी उदों खुली जदों दी मैं संगत करनी शुरू कर दित्ती। संगत सदके संगत दे मैनू हुण बेगाना कोई नजर ही नहीं आउंदा, ओपरा कोई नजर ही नहीं आउंदा, पराया कोई नजर ही नहीं आउंदा। हुण ते हरेक नू मैं मुहब्बत करन वाला बन गया। अगे जी जो प्रभ की नो सो फल मान्यो, एह सुमत साधु ते पाई। किंदे परमेश्वर हुण जो भी कर रहा है ना, मैं ओनू भला ही समझदा वा, भला ही। अगे मेरे नाल कोई चीज वापरदी सी ना, मैं दुखी हो जाना सा, मेरे नाल ही इदां क्यों हुंदा है, मेरे नाल ही क्यों इदां होया। पर हुण मैनू परमेश्वर दे हर कीते दे विच्चों भला नजर आउणा शुरू हो गया। जे परमेश्वर साईं इदां ना करदे हो सकदा मैं कीर्तन करदा ही ना, मैं कीर्तन सुनदा ही ना, मैं कदी नितनेम ही ना करदा, मैं कदी बाणी ना पढ़दा। मैनू हुण ओहदा हर कीता होया कम चंगा लगना शुरू हो गया। ओहदे कीते हर कम नूं मैं हुण भला ही समझण लग पिया, भला ही। कि जो कुछ भी परमेश्वर साईं मेरे लिए कर रहा है वह मेरे भले दे लई कर रहा है। हुण मैनू दूजा कम रहा ही नहीं, गिले शिकवे मेरे अंदर रहे कोई नहीं। जिवें एक महापुरश सी ना, हिंदू धर्म के महापुरख, ते उन्हां दा शिष्य उन्हां दा पता लैण गया। ते जदों पता लैण वास्ते गया, इन्नी ज्यादा हालत खराब महापुरखां दी, हॉस्पिटल विच एडमिट, ते इन्नी ज्यादा हालत खराब, ग्लूकोस भी चढ़े है, खून दियां बोतलां भी चढ़ियां है, किते ईसीजी हो रही, किते कोई प्रॉब्लम, किते कोई चैकअप, किते कोई चैकअप, सुइयां भी लग रही हैं, इंजैक्शन भी वखरे वखरे लग रहे। इन्नी शरीर दी हालत
निर्बल हो चुकी है कि शरीर का सारा किरिया कर्म भी ना बिस्तरे ते हो रहा। तो जो शिष्य गया पता लैन ते इन्नी गल कही जी तुहाडे उत्ते किन्ना औखा समा आ गया कि सारा शरीर का किरिया कर्म बैड दे उत्ते हो रहा है। तो अगों वह महापुरख मुस्कुराए कहिंदे मेरे उत्ते बुरा समा कद आया, ध्यान नाल वेख मैनू परमेश्वर साई ने दोबारा बच्चा ही बना दिता है। आखो वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी, मैनू ते परमेश्वर ने दोबारा बच्चा ही बना दिता। बच्चा बच्चा ही हुंदा है ना जेड़ा सब कुछ बेड दे उत्ते करदा। असलियत दे विच मेरे उत्ते बुरा समा नहीं आया, परमेश्वर ने मैनू बच्चा ही बना दिता है। परमेश्वर कहिंदा हुण बैड दे उत्ते लम्मा पै जा ते जिन्ना भी हो सकता है नाम जप लै, जिन्ना भी हो सकता है सिमरन कर लै, जिन्नी भी हो सकता है बंदगी कर लै। आखो वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। ओही दुख है आम बंदे नू कलपाउंदा है दुखी करदा है, पर नाम जपन वाले ते कोई दुख दा समा भी आ जावे वो कहिंदा परमेश्वर ने यह भला ही कीता है, चंगा ही कीता है, भावे दुख दे के जोड़िया जोड़िया ते अपने नाल ही है ना। वो सुख विच दुख विच हर कारज दे विच ही किते कम नू हथ पाया बन गया तां वी शुकराना करदा, जे किते कम नहीं बनिया तां वी कहिंदा दत्तिया हो सकदा इहदे च मेरा भला ही छुपिया होवे, तां ही तूं मैनू रोकिया। मैं उदा रुकना नहीं सी पर मैनू वधा के ता करके तू रोकिया कि तू वेख लै अपनी अखां दे नाल इदां भी हो सकदा है। हुण ये अवस्था बन गई जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, पर ये अवस्था मैनू मिली कदों जदों मैं गुरु जी दे नाम जपण वालियां दी बंदगी वालियां दी संगत करनी शुरू कर दित्ती ते ये सुमत मैनू फिर गुरु महापुरखां ने बख्शी है। जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो ए सुमत साधु ते पाई। अके जी सब में रव रहया प्रभ एकै, पेख पेख नानक बिगसाई। धन गुरु अर्जन दे पातशाह कहिंदे कहिंदे जदों दी ए मैनू संगत मिली है, जदों दी मैं गुर परमेश्वर साईं गुरु रामदास दी संगत करनी शुरू कीती, जदों दी ए साध संगत मैनू मिली, मैनू इउं नजर आउंदा जिवें हरेक बंदे दे अंदर हरेक जीव दे अंदर गुर परमेश्वर साईं गुरु रामदास जी वस रहे ने। आखो वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। प्यार नाल आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। कहिंदे हुण हरेक दे अंदर परमेश्वर वस रहा ते इसे गल दा जदों मैनूं ज्ञान होया ते फिर मैं हुण हरेक नूं वेख वेख के खुश होना, हरेक नूं वेख वेख के मैं प्रसन्न होना, किसे दी खुशी नूं मैं अपनी गमी नहीं बनाउंदा, किसे दे सुख नूं मैं अपना दुख नहीं बनाउंदा, किसे वल वेख के मैं नफरत नहीं करदा, किसे वल वेख के मैं वैर नहीं कमाउंदा। क्यों? क्योंकि हुण मैनूं इस गल दा ज्ञान हो गया कि हरेक दे अंदर मेरा गुरु रामदास वस रहा है। पर ये चीज दा मैनूं ज्ञान होया उदों जदों दी मैं इस संगत करनी शुरू कीती, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। गुरु कृपा करे इस संगत विच बैण दी रूटीन कदी भी तोड़े ना। बाकी अखीर ते बेनती है भाई साहब जी गुर इकबाल सिंह जी दी चढ़दी कला दी सारियां संगतां ने अरदास करनी है कि सतगुरु उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी दे अरोगता बख्शिश करन। DMC हस्पताल लुधियाने जो जेरे इलाज ने ते एक एक पाठ जपजी साहब दो दो चुपई साहब दे करके रोजाना तुसीं अरदास करियो, सतगुरु उन्हां नूं होर रंग भाग लाउण, हजारां लखां गुणा वधा के अपनियां सेवावां आप लैण। सारियां संगतां ने भाई साहब जी दी चढ़दी कला दी अरदास जरूर करनी जी। भुल चुक दी खिमा प्यार सहित सारे फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी। सारिया संगतां दे चरणां विच सनिमर बेनती है जदों भी अमृतसर साहब आओ जिन्नी बारी भी आओ आप जी 3-4 घंटे का समा वध कट के आओ, अपनियां अखां नाल आ के वेखो राम तीर्थ रोड अमृतसर साहब विखे
ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਫੀਸ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ 200-400 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 113 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ 30 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਕਥਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 15,500 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਿਵਾਸ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ, ਜਿਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਈਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ। TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਡੋਨਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
वो तां ही होएगा जदों पूरा तुसी सहयोग दोगे। तुसी अपनी सेवा सानू पेटीएम भी गूगल पे भी कर सकते हो, सारे नंबर तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते आ रहे हैं। तो आप जी सहयोग दे के गुरु पिता दियां जिथे खुशियां प्राप्त करो उत्थे वो लोड़मंदां दी बांह फड़ के अपना जो जन्म भी सफला करो जी। ये बेनतियां प्रवान करो प्यार सहित सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।